कुपवाड़ा अंबारकर श्रीराम दिनकर ने मंगलवार को कहा कि कुपवाड़ा जिले में सक्रिय उग्रवादियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुपवाड़ा जैसा कि आप जानते हैं एक सीमा क्षेत्र और घुसपैठ जांच क्षेत्र है। इस क्षेत्र में परिचालन में वृद्धि या कमी होती है और बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। वर्तमान में कुपवाड़ा में एक स्थानीय आतंकवादी है जो कथित रूप से दक्षिण कश्मीर से संचालित होता है। घुसपैठ के आधार पर विदेशी आतंकवादी संख्या में उतार चढ़ाव होता है। उन्होंने कहा कि 22 वर्षीय हिजब उल मुजाहिदीन आतंकवादी और 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को कल रात जिले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि उग्रवादी सहयोगियों द्वारा हथियारों की बड़ी मात्रा में क्रॉस एलओसी तस्करी के संबंध में विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना के 28 आरआर और 162 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा कल रात एक संयुक्त अभियान चलाया गया था। उन्होंने जीएनएस के अनुसार कहा, संयुक्त ऑपरेशन का सफलतापूर्वक समापन लालपोरा के अब्दुल्ला भट्ट के पुत्र एक स्थानीय आतंकवादी परवेज अहमद भट्ट 22 वर्षीय की आशंका में हुआ। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल और एक 9 mm चीनी पिस्तौल बरामद हुई है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए हथियारों की तस्करी में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किए गए सहयोगियों की पहचान उनके द्वारा हजारीबल नरीजम कलारोस के अल्ताफ अहमद मीर 35 वर्षीय वार्ड लोलब के गुलाम मोहम्मद कोहली 35 वर्षीय निजामुद्दीन गुज्जर 44 वर्षीय के रूप में की गई है। बांदीपुरा और खेनूरा बांदीपुरा के अब्दुल कयूम गुज्जर 29 वर्षीय भी इस ग्रुप में शामिल है। श्रीनगर से अल्ताफ वानी की रिपोर्ट, न्यूज ऑनलाइन। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यूज अपडेट्स।